लड़का और लड़की का सेक्स पावर, जिंक, इसका क्या संबंध है? इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। देखिए, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए सभी लोग बातचीत करते रहते हैं, और सेक्स पावर इसका मतलब ऐसा है कि जब सेक्स करते हैं तो काफी कैलोरीज की लॉस भी होती है, सेक्स करने में थकान भी आती है, और लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमने हमने एनर्जी उसमें गमा दी, हमारा वीर, ऐसा एक्चुअली नहीं है, हमने बहुत सारा वीर्य गमा दिया है और हमारा बहुत लॉस हुआ, एनर्जी चली गई। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर तभी भी कैलोरीज लॉस होती है, इतना जरूर है। और सेक्स अच्छा करना है तो फिटनेस अच्छा होना जरूरी है, फिट, फिजिकली फिट, मेंटली फिट तो और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, झंझट झगड़ा हो चुका है, तो फिर सेक्स नहीं होगा। तो लड़का लड़की यदि सेक्स करते हैं, आपको गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, जो भी, तो एक तो मानसिक अवस्था तंदुरुस्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और फिजिकली भी फिट होना चाहिए। तो फिर लोग बोलते हैं खाने में क्या है, तो इसमें जिंक का रोल बहुत ज़्यादा माना गया है सेक्स में। स्टडीज में प्रूव किया गया है कि जिंक का सेवन जो लोग ज़्यादा करते हैं वो लोग ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन करते हैं उनके बॉडी में, और टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होता है तो उनकी सेक्स पावर ज़्यादा बढ़ती है। तो फिर जिंक कितना लेना चाहिए? तो जिंक एवरेज में पुरुष ने 11 मिलीग्राम पर डे का एवरेज डोज है, मतलब ज़्यादा भी लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिलीग्राम पर डे, और 8 मिलीग्राम पर डे स्त्री ने लेना चाहिए एवरेज में। थोड़ा ज़्यादा होगा चलेगा, थोड़ा कम होगा चलेगा, मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं, 11 मिलीग्राम है पुरुष के लिए, 8 मिलीग्राम है स्त्री के लिए। बहुत ज़्यादा लेंगे तो जिंक ओवरडोज होगा, वो भी अच्छा नहीं है। फिर जिंक जो है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी जिंक से बढ़ती है, और जिंक की टैबलेट्स आती है, टैबलेट्स आप ले लो, मगर इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप खाने में यदि बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें आपको जिंक अच्छी तरह से मिल जाएगा। वैसा देखा जाए तो सब तरह के विटामिन जरूरी है, जैसे विटामिन ए, ई, विटामिन सी, फिर B1, B6, B12, ये सब विटामिन, कैल्शियम, ये सभी जरूरी है, मगर जिंक इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फिर जिंक ज़्यादा है इसमें, नॉन वेज में जिंक ज़्यादा है, यदि आप फिश एग्स लेते तो उसमें बहुत ज़्यादा जिंक है, और इसके अलावा फिर वेज यदि है आप तो मशरूम में, फिर ब्राउन राइस, तुअर दाल, मूंग दाल, फिर ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, खजूर, ये सभी में बहुत ज़्यादा प्रमाण में जिंक रहता है, और यदि आप ये लेते हैं तो डेफिनेटली जिंक बैलेंस रहेगा अपने बॉडी में, तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स अच्छे रहेंगे और आपका सेक्स पावर भी टिका रहेगा। तो जिंक का रोल बहुत ज़्यादा महत्व का है, और जिंक का बैलेंस्ड रहना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई टेस्टोस्टेरॉन कम है क्या, एनर्जी कम पड़ रही है क्या, तो डेफिनेटली जिंक कंटेनिंग है जो भी मैंने बताया था ये सब्सटेंसेस, वो यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन, ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।